हाय दोस्तों, आज हम सर्वनाम पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले आप जो है ये सब्सक्राइब का बटन जो दिख रहा है आपको, नीचे आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दें। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको क्रम से उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, ऐसे आप ढूंढते रह जाएंगे कि चैनल कहाँ गया कहाँ गया, मुझे मटेरियल नहीं मिल रहा है। तो आप उससे बचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बगल में इसकी बेल का आइकॉन दिख रहा होगा, इस पर प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक करें और उसको व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें, ताकि जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ठीक है, PCS हो गया या फिर कई वनडे एग्ज़ाम हो गए जिनमें हिंदी आती है, तो वो इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो इसको वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है एग्ज़ाम गुरु। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम चर्चा करते हैं सर्वनाम पे। तो सर्वनाम जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सर्व और नाम। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है सर्वनाम, मतलब सबका नाम। ठीक है, तो सर्वनाम शब्द दो शब्दों सर्व प्लस नाम से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है सबका नाम। अर्थात सबका नाम या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैं, तुम, हमें, हम, वे, आप आदि जो है सर्वनाम है। तो सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, छठवां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये हो गए सर्वनाम के 6 भेद। तो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति के नाम के बाद आता है। ठीक है, तो उत्तम पुरुष में वक्ता या लेखक होता है, मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता, तथा अन्य पुरुष में लेखक, पाठक या वक्ता, श्रोता के अतिरिक्त अन्य लोग आते हैं। ठीक है, जैसे उत्तम पुरुष है इसमें मैं और हम आ गया, मध्यम पुरुष है इसमें तू या तुम आ गया, आप आ गया, आप लोग आ गए। ठीक है, और जो अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष जो है इसमें इन दोनों के बाद जितने बचते हैं, जैसे कि वह, यह, वे और ये आ गया। अब हम बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष, देखिए मध्यम पुरुष में जो है आप आया है, में प्रयुक्त होने वाले आपसे जो है ये भिन्न होता है। तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी निराकरण तथा अवधारणा के लिए होता है, जैसे मैं आप ही चला आया था। ठीक है, तो एक अवधारणा है, इसमें आप शब्द का प्रयोग हुआ है। आप आजकल कहाँ जा रहे हैं, इसमें भी आपका प्रयोग हुआ है, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। तो अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस शब्द के प्रयोग से वस्तु तथा वक्ता की दूरी का पता चलता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हो गया वह, यह, वह कौन आ रहा है, इसमें जो है वह शब्द जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह कोई भला आदमी नहीं है, ठीक है, तो इसमें यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये अच्छे हैं, तो अच्छे हैं में ये जो है ये शब्द जो आ रहा है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। वे बुरे हैं, इसमें वे शब्द जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक शब्द, यानी कि जिस शब्द में अनिश्चितता होती है, ठीक है, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई आया था, मतलब यहाँ निश्चय नहीं है कौन आया था, किसी की बात नहीं हो रही पार्टिकुलर कौन आया था, तो कोई आया था इसमें जो कोई शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ दे दो, इसमें भी यही है, कुछ दे दो, मतलब कुछ भी दे दो, निश्चय नहीं है क्या मांग रहा है, तो ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसने कुछ खाया कि नहीं, इसमें भी जो कुछ शब्द है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखते हैं।
जहां दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, जैसे वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। ठीक है, तो यहाँ जो शब्द जो है ये संबंध को प्रकट कर रहा है। ठीक है, वह कौन है जो रोता है, रो रहा है, तो इसमें जो शब्द जो है वो संबंध प्रकट कर रहा है। अगला है और अंतिम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आप जानते होंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी इसमें क्या क्यों कैसे आए। ठीक है, तो जैसे तुम कैसे आए, इनमें जो है कैसे शब्द जो है क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह क्या चाहता है, ठीक है, इसमें जो क्या शब्द है ये सर्वनाम का उदाहरण है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके। क्रम से जो है व्याकरण, हिंदी व्याकरण का अध्ययन करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पे शेयर करें ताकि जो है ज़रूरतमंद लोग जो हैं जिनको हिंदी व्याकरण की समस्या है वो इस वीडियो को देख के जो है हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर सकें। ओके, धन्यवाद।